नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज टाइम से संजय गोस्वामी। अब हम चलते हैं दिल्ली के वार्ड 39 में मुंडका इलाके के अंदर, जहां एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहां के मुख्य अतिथि रहे श्री अनिल लाकड़ा जी। इन्होंने नव युवकों को प्रेरणा बनकर एक नए ऊर्जा का संदेश दिया। आइए हम देखते हैं क्या कहा उन्होंने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी नौजवान यहाँ बड़ी मात्रा में आए हुए हैं और बहुत सारे लोग अपने लोकप्रिय नेता को भी देखने आए हुए हैं। और आइए अब हम मिलेंगे भाई अनिल लाकड़ा जी से और इनका संदेश देंगे युवाओं के लिए। तो मिलते हैं। नांगलो इलाके में जो मुंडका 29 है, जहाँ पर यहाँ के निलोकन निगम पार्षद जो एक टूर्नामेंट को संबोधित करने आए हुए हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं, उनका क्या कहना है? अच्छा, ठीक है। आपका इस टूर्नामेंट में जो आप आए हो, इसमें नव युवक हैं जो क्रिकेट में चल रहा है मैच, उसके लिए क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो विजेता टीम है उसको बहुत बहुत बधाई, जो रनअप टीम है उसको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देखिए टीम बहुत सारी आई हुई थी और पहले और दूसरे नंबर पर जो टीम पहुंची वो बेस्ट टीम ही पहुंची होगी, तो उन दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा मेरा मानना ये है कि जो हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे देश के युवा हैं, उनको खेल के अंदर आगे आना चाहिए। खेल का खेल और साथ में अपना शारीरिक व्यायाम, इससे शरीर भी फिट और खेल में भी। देखिए, हमारे देश के अंदर खेल के अंदर बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं हैं। आज सचिन तेंदुलकर कहाँ पर हैं, सौरव गांगुली जी कहाँ पर हैं, सुशील पहलवान जी कहाँ पर हैं? ये खेल की बदौलत ही है, खेल की बदौलत ही आज जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इंडिया को। तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारी जो टीम थी, नीरज भाई की जो है मेहनत थी, पूरे मेरे विनय निकले के लोगों की जो मेहनत थी, हेमराज भाई, संजय भाई, पवन लाकड़ा जी, सारी मेरी जो क्षेत्र के हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं, इन्होंने एक सार्थक, एक नीरज भाई के माध्यम से एक सार्थक प्रयास यहाँ पे किया गया है। और उस सार्थक परिणाम जो प्रयास का ही परिणाम है कि भाई इतनी अच्छी गैदरिंग थी यहाँ पर, बच्चों के अंदर जो है इतना अच्छा जो है उनको माहौल मिल रहा है खेलने के लिए, इतना उत्साह था उनके अंदर, किस उत्साह के साथ में जो है देख रहा था, बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। तो अच्छा खेल जो है प्रस्तुत किया है सभी नौजवान खिलाड़ियों ने, इनको बहुत बहुत बधाई। और मेरा सहयोग, मैं इनके साथ में हमेशा खड़ा हूँ और इनसे कहीं पर भी दूर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान साथी आगे आएँ और मेरे से जितना सहयोग लेना चाहते हैं मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। जहाँ पर जितना कोई और टूर्नामेंट करवाना वो करवाओ, और जो खेल में जो मदद हो सकती है वो मदद लीजिए मेरे से। धन्यवाद। क्या मैसेज है जो नवयुवकों के लिए, एक मैसेज दीजिए? देखिए, मैसेज मेरा यहीं पर है कि जितना आप जो भी कोई भी खेल खेल रहे हो आप, उस खेल के अंदर लगन और मेहनत वो बहुत ज़रूरी है। एक टारगेट जो है ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के अंदर आप जा रहे हो तो वहाँ पे एक टारगेट सेट करना होता है। आप कुश्ती के अंदर जा रहे हो, क्रिकेट के अंदर जा रहे हो, फुटबॉल के अंदर जा रहे हो, एक लगन और एक जो टारगेट सेट करके जो चलेगा ना, जिसने मन के अंदर जो ठान ली बात अभी मेरे को ये करना ही करना है, तो वो बच्चा मैं समझता हूँ ज़रूर कामयाब होगा। धन्यवाद जी।